हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सरदना विधानसभा क्षेत्र का मुख्य कस्बा यानी सरदना कस्बे में, और यहां पर AIMIM के कार्यालय के बाहर ये मैं भीड़ दिखा रहा हूं आपको। बड़ी तादाद में लोग और खासतौर से युवा तबका AIMIM की तरफ जा रहा है, और मुस्लिम समाज जो पहले समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को या भाजपा को हराने वाले कैंडिडेट को वोट करता था, इस बार लोगों का ये कहना है कि हम AIMIM पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के अंदर आवाज़ उठाते हैं, 3 तलाक पे बोलते हैं, NRC पे बोलते हैं, मॉब लिंचिंग पे बोलते हैं, जबकि ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां इस मुद्दे पर चुप रहती हैं। तो भाजपा को हराना जिताने का ठेका हमने नहीं लिया, इस तरह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम AIMIM पार्टी को वोट देकर मजबूत बनाने का काम करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। क्या नाम आपका? आमिर। AIMIM पार्टी के जो उम्मीदवार आए हैं सरदना विधानसभा से, जीशान आलम, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या माहौल है आपके गांव में? माहौल अच्छा है, पूरी मेहनत चल रही है और कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। साहब के हाथ में जी जी आप बताओ। AIMIM पार्टी के कार्यालय में सरदना में हम मौजूद हैं, और यहाँ से जीशान आलम पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो आप लोग जो गठबंधन का प्रत्याशी आया है, तो क्या इस बार गठबंधन को वोट नहीं देंगे लोग? असद ओवैसी साहब का अच्छा बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ। और हमारा भी तो गठबंधन है ना। हाँ। भाई भागीदार मोर्चा बना है, हमारा भी तो गठबंधन है ना। किस आपका गठबंधन किस पार्टी से है? भाई वामसेफ से है एक तो। हाँ। और भागीदार मोर्चा बना है वो बहुजन मुक्ति पार्टी और जन अधिकार पार्टी। हाँ, हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम से हमारा गठबंधन हुआ है। हाँ। और बहुत ही मजबूती के साथ गठबंधन चुनाव लड़ रहा है हमारा गठबंधन, और इंशाल्लाह प्रदेश के अंदर कामयाबी मिलेगी और सरधने से हमारा प्रत्याशी जीत के जाएगा। हाँ जी, अपना नाम बताएं पहले। मेरा मोहम्मद हुसैन नाम है जी, हुसैन अंसारी। तो AIMIM पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं आप, ये बताओ। हम AIMIM पार्टी को यूँ वोट दे रहे हैं कि आज तक हम समाजवादी को वोट देते रहे और सारी चीज़ हम इन्हें देते रहे, आज लो हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, और जो हमें दिया है तो हमें बगावत के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमारे से ले लिया है। और जो है इन्होंने जो है आज तक हमारे कोई नौकरी या कोई हिस्सेदारी उन्हें ये दिलाते हैं। आपको नौकरी या आरक्षण पार्टी ने दिया नहीं? किसी ने कहीं भी कोई पार्टी ने कोई आरक्षण नहीं दिया, और जो है ये इन्होंने मदद कर दी, रिक्शा चला दिया, साइकिल बांटती, ये कर दिए। क्या हम शिक्षा, हमारे पढ़े लिखे आदमी, हमारा जो है बहुत मुस्तकबिल लड़के जो है युवा जो है उनका मुस्तकबिल जो अंधेरे में है, हम अंधेरे में है। हम आज जो है ईमान वालों को, आज मुसलमानों को और जो है गरीब तबके को जिसकी आवाज़ नहीं उठा रही है, आज हम उसको उठाने जा रहे हैं। आज जो है हम सोई भी जनता जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जो पिछड़ा दल है, उन्हें जगाने जा रहे हैं। हार जीत हमारी इंशाल्लाह होगी, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, पर हम सोई भी कौम को इसे जगाने जा रहे हैं, सोई हुई कौम को जगाने जा रहे हैं। जीत हार तो बाद की बात है, ये पहले AIMIM पार्टी में युवा बहुत है इसमें जी। पहले जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर सिद्दीकी है। हाँ। मैं सरदने से हूँ। ऐसी क्या बात है, युवा क्यों लग रहा है ओवैसी साहब की पार्टी के साथ? युवा इसलिए लग रहा है, युवाओं पे काफी और पार्टियों ने काफी जुल्म किया है, और हमें दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में हमारी ना तो एजुकेशन पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, और ये सब अपने अपनी रोटी सेक रहे हैं। हर पार्टी, हमारी कोई भी पार्टी हमारे मुसलमान भाइयों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमें अपने आने वाली नस्लों को सुधारना है और अपना झंडा अपना निशान चुनना है। अपना झंडा और अपना निशान चुनना है, अपना झंडा और अपना डंडा और अपनी पार्टी और अपनी बात, ये जो नारा दिया आपने, तो ये नारा चल रहा है? हाँ जी, नारा बिल्कुल चलेगा। अब तक प्यास थी हमारे पास, कुआं नहीं था। हाँ। अब कुआं भी है और प्यास भी है। वाह, कुआं भी है और प्यास भी है। कुएं से पानी निकल लेंगे और खुद पिएंगे। अच्छा भाई, हाँ जी, क्या नाम आपका? जी मोहम्मद शावेज। हाँ जी जी, हम जो है मतलब AIMIM को इसलिए वोट करना चाह रहे हैं कि जी झारखंड में जो है हमारे मुसलमान भाइयों ने
कांग्रेस को वोट दी थी, मगर जब तबरेज अंसारी का मसला हुआ 1500 लोग जो है उसे एक एरिया में घेर के एक मजदूर आदमी को मारते हैं और उसके घर वाले हर नेता की कुंडी पीटते हैं, तो कोई भी नेता जो है उनके लिए आवाज बन के नहीं उभरता, उनकी कोई मदद नहीं होती उनके परिवार वालों की। इसलिए कि असद साहब जो है सबके लिए दबे कुछ लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम जो है असद साहब के साथ हैं, जान और माल से हर चीज़ से, जान और माल से हर चीज़ से असद ओवैसी साहब के साथ हैं। और ये सारी जो टीम है यो नौजवान सबका आपको दिखाई दे रहा है, चलो जी यहाँ MIM पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद मोबिन। मोहम्मद मोबिन साहब, MIM पार्टी का कुछ है यहाँ या मतलब? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, या गठबंधन का मामला मजबूत है? गठबंधन तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा अपना काम भी चलेगा पूरा, MIM का भी। MIM की? हाँ, MIM ने गठबंधन करा दो पार्टियों से, एक कुशवाहा है और एक और है वो वामन मेश्राम। हाँ, जो भी है वो हमारा जो है मजबूत है, उसका पूरम में उनकी अपनी पकड़ है, इंशाल्लाह इधर हमारी पकड़ है तो काम बनेगा हमारा। नहीं, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी को वोट दे रहे हैं, तो क्या ये इस तरह का मामला भी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अपना, हमें तो अपनी कुर्सी, अपना डंडा, अपनी वर्दी और अपना कलम चाहिए हमें। तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया? सिर्फ गद्दारी के अलावा गद्दार कहलवा दिया हमें तो इन्होंने। इसके अलावा कुछ नहीं दिया, यादव छोड़ के उसको भग गए और हमारे हवाले कर दिया, हमने हम बीच में। यादव कौन छोड़ के भग गया? यादव को छोड़ के भग। अच्छा, उनकी भाभी की बात कर रहे हैं क्या? अखिलेश यादव की भाभी जो बीजेपी में चली गई, सबूत और क्या था? अच्छा, और हमें कहने वाले भी थे हम 20% और। अच्छा, बी टीम जो है, आप ये कह रहे हैं कि जो आप 20% आप पे आरोप लगाते हैं लोग, बी टीम है तो आप समाजवादी को बी टीम बता रहे हैं? जी, आप साहब ये है हर पार्टी बी टीम है, ये हर पार्टी बी टीम है, ये पी टीम है, आपकी बी टीम नहीं है। 20% है, कोई सभी पर वो नहीं, सिवा दलित को छोड़ दे 20%। आपकी तादाद 20% है और 20% मुस्तैद हो रही है, इंशाल्लाह तो पतंग का निशान चल रहा है, पतंग उड़ेगी, नौजवान पतंग उड़ाएंगे। अच्छा, देखो ये पतंग की वैन भी आ गई है, ये हम दिखा, पतंग की वैन भी आ रही है, जो प्रचार चल रहा है AIMIM पार्टी का। अरे क्या नाम आपका? आप मोहम्मद है मेरा नाम। हाँ जी, हम MIM के साथ हैं। हाँ, अब तक जो था हर मजदूर सबका अखिलेश के साथ था, लेकिन अब फिलहाल में ना हमें रिक्शा चलाना है ना साइकिल चलानी है, क्या हमारे हिस्से में साइकिल और रिक्शा ही रह गया है? हम आपके ओवैसी साहब के साथ हैं और पतंग उड़ाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे सरदने में पतंग उड़ेगी और जिशान भाई को जिता के भेजेंगे यहाँ से। परवेज भाई, AIMIM पार्टी सरदना विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो लोग क्या कह रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स है? रेस्पॉन्स की बात यह है, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जिन्होंने 53 तलाक के टाइम पे लोगों ने कसम खा ली थी कि अगर वोट देंगे तो ओवैसी को देंगे, भले ही वो साइलेंट हो लेकिन बराबर वो कह रहे हैं कि हमने तो कसम खा रखी है, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। यानी अंदरूनी तौर पे लोग जो है वोट दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ऐसी ऐसी जगह से वोट निकलेंगे इंशाल्लाह, जो है लोग देखेंगे कि ये क्या हुआ क्या हुआ जी। 4% जाट से गठबंधन और अदर पार्टियों से गठबंधन, 22% से गठबंधन नहीं, तो इसका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में फुल विरोध है और अपनी पार्टी की तरफ लोग आए हैं
और इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा कि हमारे समाज की वोट अब फ्री में नहीं मिलेगी। यानी अब जो है मुस्लिम समाज अपने अधिकारों की बात कर रहा है और अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, अपनी पार्टी के हमारे अधिकारों की बात करने वाली पार्टी आ गई है। हिस्सेदारी की बात होगी, असद साहब हिस्सेदारी की बात करते हैं तमाम समाज जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, कभी पिछले शोषित वंचितों की आवाज़ मुस्लिमों की आवाज़ बनकर MIM पार्टी उभरी है और खास तौर से मुस्लिम समाज बहुत तेज से जुड़ा है और जुड़ रहा है। और अब जो है जिस तरीके से इन्होंने दूसरी अदर पार्टी से गठबंधन किया है और हमारी 22% वाली को की पार्टी से गठबंधन नहीं किया, उसका जवाब इसका असर भी आ रहा। अच्छा, इसका इसका जो है इस विधानसभा चुनाव में जवाब मुस्लिम समाज जवाब देगा।